केरला ना हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट पे था. मुझे याद नहीं मैं कब से केरला की एक ट्रिप ज़रूर मारना चाहती थी. एंड फाइनली मेरे मॉम डैड के साथ, पीयूष के साथ, भैया भाभी के साथ हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान कर ली. पीयूष की ना केरला बिजनेस ट्रिप सकती रहती है, तो पीयूष ने मुझे शादी से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें केरला लेके जाऊंगा. वो आज तक कभी हुआ ही नहीं. इस बार केरला का प्लान मैंने बनाया, तो हम लोग जा रहे हैं और हमारी बहुत पूरी फैमिली जा रही है, काफ़ी लोग जा रहे हैं. ये फर्स्ट ट्रिप एवर थी जिसमें हमने नीरा की नैनी को साथ नहीं लिया था, तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी. फ़्लाइट में खाना तो जैसा तैसा भी हो और पसंद ना भी आए, बट इस फ्लाइट का बेस्ट पार्ट था ये सनराइज़. इट वॉज़ ब्यूटिफुल. हमारी फ़्लाइट बहुत सुबह की थी, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 2 बजे से हम घर से निकले हुए थे एयरपोर्ट के लिए. और जब हम केरला पहुँचे, हमें वेलकम किया इस ब्यूटिफुल वेदर ने. मैं ये वाला व्लॉग डालने में भी थोड़ी लेट हो गई थी. हम केरला गए थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो उस टाइम सेकेंड मॉनसून केरला में चल रहा था, विच मीन्स अमेजिंग, वेरी वेरी प्लेजेंट वेदर. नीरा ना हमारी फैमिली की फर्स्ट डॉटर, फर्स्ट ग्रैंड डॉटर और फर्स्ट नीज है, तो नीरा बहुत पैम्पर्ड है बाय एवरीबडी और वो कुछ भी करती है, उसको कोई कुछ नहीं कहता. एयरपोर्ट से हमने ये ट्रैवलर बुक करा था, तो इसमें बैठ के हम लोग निकले एलेपी की तरफ. साउथ इंडिया आके ना स्टार्टिंग में तो नॉर्थ इंडियंस बड़े एक्साइटेड होते हैं साउथ इंडियन फूड के लिए, तो हम लोगों ने भी अपना पहला मील बीच रास्ते रुक के लिया, वड़ा, डोसा, इडली, सांभर, चटनी, और बहुत इंजॉय भी किया. बट नॉर्थ इंडियंस की जो एक्साइटमेंट होती है ना साउथ इंडियन फूड के लिए, ये बस थोड़ी सी देर के लिए होती है, और ये अभी आपको इस व्लॉग में पता लगेगा धीरे धीरे. दिल्ली से हम कोयम्बटूर लैंड करे थे और फिर निकले थे एलेपी की तरफ. दोनों में डिस्टेंस कुछ 230 किलोमीटर्स का है, तो ये ऑलमोस्ट 5-6 घंटे की ड्राइव थी. एंड फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, बट हमारी डेस्टिनेशन रिजॉर्ट नहीं था, ये बैक वाटर्स थे, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट था लेक के बीचों बीच, जहाँ पर सिर्फ वाटर टैक्सी या वाटर बोट जा सकती थी. तो हम लोगों को ट्रैवलर से पहले चढ़ना था वाटर टैक्सी में, और फिर ये हमें लेके जाती अपने रिजॉर्ट की तरफ. एलेपी में हमारे रिजॉर्ट का नाम था ग्रीन पैलेस रिजॉर्ट्स. बिल्कुल ही मेन लैंड और मेन सिटी से हट के था ये रिजॉर्ट, एक लेक के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर एक्सेस भी हर चीज़ का इतना इजी नहीं है. एंड दिस इज़ जस्ट अ ट्रैवल टिप फॉर यू गाइस. अगर आप भी कोई ऐसी सेक्लूडेड सी प्रॉपर्टी बुक करते हो जो अलग हट के है, रिजुविनेशन के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, बट मेक श्योर आप अपना सारा सामान और नेसेसिटी की आइटम साथ में कैरी करो, बिकॉज ऐसी जगहों पे ना इजी एक्सेस नहीं है और चीज़ें रेडिली अवेलेबल नहीं होती. अब इतने ट्रैवल के बाद सब थोड़ा थक तो गए थे, बट फाइनली हम पहुँचे इस बहुत बहुत सुंदर रिजॉर्ट तक. ऑलमोस्ट शाम हो गई थी हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते, बिकॉज ड्राइव में भी हम लोगों ने कुछ ब्रेक्स लिए थे. बट ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ वीडियो के थ्रू ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, कितनी सुंदर है, कितनी पीसफुल है, कितनी सीरीन है, लेक के बीचों बीच, ऊपर से ये प्लेजेंट वेदर. तो यहाँ पर रूम्स तो थोड़े एवरेज थे, लेकिन व्यूज़ बहुत सुंदर थे. यहाँ पर स्विमिंग पूल भी था. एंड पीयूष और मेरा स्पेसिफिकली जो रूम था, दिस वॉज़ दी ओनली रूम जहाँ पे एक साइड से था पूल व्यू और दूसरी साइड से था लेक व्यू. मतलब मैं तो सिर्फ वीडियोज़ ही बनाए जा रही थी, मुझे लगा था मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ. एंड फाइनली समझ आया कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते. तो केरला में अगर आपको बैक वाटर्स और बीच एक्सपीरियंस करना है, तो आपको एलेपी आना पड़ेगा. इसके बाद हम लोग सो गए, सुबह के उठे हुए थे, सब थक गए थे. उठने के बाद हम लोगों ने चाय पी, फिर लेटर डिनर करा, और उसके बाद रात को हम बैठ गए शीशा लेके. पीयूष कुछ भी करके ना कोल या शीशे का सामान अरेंज कर ही लेते हैं, इधर भी पीयूष ने कर लिया. बड़ी मेहनत लगी, लेकिन हो गया कोल अरेंज. ओके गाइस, सो आज का हो गया तामझाम खत्म. बहुत इंजॉय किया, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा थकान हो गई है, तो आज हम वी आर टर्निंग इन अराउंड 11 o'clock. नेक्स्ट मॉर्निंग सब फ्रेश होके उठे, रेडी हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी थोड़ा विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए, और फिर एलेपी ट्रैवल करने के लिए. सो ओवरऑल इस प्रॉपर्टी में भी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ था. फुल ऑफ लश ग्रीनरी एंड छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी थी, उसमें फ़िश भी थी, और यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रॉग भी देखा था. और पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए एलेपी घूमने के लिए. जाना तो हमें एलेपी बीच था, बट क्योंकि बारिश चली रही थी इन दिनों, तो एलेपी बीच बंद कर रखा था फॉर सेफ्टी रीजन. और वाटर टैक्सी करके जब हम लोग रिजॉर्ट से मेन लैंड पर आए, तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई. केरला में ना कुछ पता नहीं लगता. इस वीडियो शूट करने से 5 मिनट्स पहले धूप निकली हुई थी और एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो गई, और मैं तो पूरी भीग गई थी. बट मेरा एक टिप आपको यही है दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग टू केरला, डू कैरी रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास एवरीवेयर. किसी भी समय पता भी नहीं लगता, जस्ट अभी 15 मिनट्स पहले सनी था, पता नहीं लगता, एक सेकेंड में बारिश शुरू हो जाती है. एंड फिर हम ट्रैवलर से जाने वाले थे बोटिंग करने, बट उससे पहले हमें भूख लग गई, तो विद इन अ डे ना हमारा जो साउथ इंडियन फूड के लिए एक्साइटमेंट था वो हो चुका था खत्म, और अब हमें चाहिए था या तो कुछ नॉर्थ इंडियन या चाइनीज. सो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर बोट ले ली है,
और बड़ा बारगेनिंग वगैरह काफ़ी हो जाती है, तो हम लोगों को ये बोट 2 आवर्स की है और जितने भी हम जने हैं टोटल में, मतलब जितने भी जने हो बेसिकली टाइम के हिसाब से होता है, तो इट्स जस्ट 3,000 रुपीज़ 2 आवर्स 3,000 रुपीज़। तो प्राइस वाइज इट्स फाइन। अब घूमेंगे थोड़ा सा, लेक देखेंगे, बारिश काफ़ी है और वाटर लेवल भी थोड़ा हाई ही है। बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग बोट राइड थी ये। ऑलमोस्ट 2 घंटे हम थे इसी बोट में, एंड एक्चुअल जो केरला के बैक वाटर्स होते हैं ना, वो हमने इसमें एक्सपीरियंस करे। सो बैक फ्रॉम बोटिंग एंड अब हम होटल जा रहे हैं। थोड़ा हम लोगों को खाना अपने ही टाइप का चाहिए होता है, तो इसलिए बीच में डोमिनोज आएगा, वहाँ से पिज्जा उठाएंगे, वो ही खाएंगे होटल में। रिजॉर्ट पहुँचने से पहले बीच में हमें दिख गई है बनाना चिप्स की शॉप, तो हम लोग उतर गए शॉपिंग करने। जेंट्स का ना वैसे भी बनाना चिप्स के साथ कुछ अलग ही रिलेशनशिप है। आलू के चिप्स कई बार हम लोग नहीं खा पाते, तो हम लोग उस टाइम बनाना चिप्स ही खाते हैं। इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे मॉम डैड को भी ये बहुत पसंद है। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम गए रिजॉर्ट, वहाँ पे हमने खाए अपने पिज्ज़ा एंड फाइनली हम सो गए। और इसी के साथ ही हमारा व्लॉग पार्ट 1 फिनिश होता है। होप यू गाइज एंजॉयड। बाकी की केरला ट्रिप कंटिन्यू होगी व्लॉग नंबर 2 में, सो स्टे ट्यून्ड।